एमपी में देवी भागवत का अनुष्ठान। जी हां, अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली पर राम मंदिर निर्माण को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मंदिर निर्माण के लिए देश के कोने कोने से सहयोग प्राप्त हो रहा है। वहीं मंदिर निर्माण का कार्य निर्बाध रूप से चले इसके लिए पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक अनुष्ठान मध्य प्रदेश के सतना जिले के राम भक्त ने 13 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें देश के प्रमुख संतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के निवासी विष्णु प्रसाद ने देवी भागवत अनुष्ठान करने का निश्चय किया है। इस अनुष्ठान में उन्होंने सच्चिदानंद महाराज, धारकुंडी नरेश, देवी प्रसाद, कामतानाथ पीठाधीश्वर, रामानंदचार्य, रामस्वरूपचार्य महाराज, नरेंद्र गिरी महाराज और श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष व श्री मणि रामदास छावनी के महंत नित्य गोपाल दास को आमंत्रित किया गया है। आयोजक विष्णु प्रसाद तिवारी ने बताया कि सतना भगवान राम की तपोस्थली रही है। देश के सभी सनातन धर्म को इच्छा है कि वर्षों के बाद भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो यह कार्य निर्बाध रूप से चले इसके लिए सतना में देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है। भगवान राम के तपोस्थल पर मंदिर निर्माण के लिए यह अनुष्ठान बेहद अहम है। इसमें देश की प्रमुख संतों को आमंत्रित किया गया है। इस अनुष्ठान का आयोजन 13 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 21 अप्रैल को समाप्त होगा और 22 अप्रैल को विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। देखिए अयोध्या से तुफैल अहमद की रिपोर्ट। मैं विष्णु प्रसाद तिवारी मध्य प्रदेश सतना से आया हूं और भगवान राम की धरती अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, उसके लिए मैं सभी ऋषि मुनि महात्माओं को आमंत्रित करने आया हूं, जिससे यह कार्यक्रम निर्विघ्न भगवान राम का मंदिर बन सके उसके लिए मैं सतना में देवी भागवत का आयोजन कर रहा हूँ। उसमें आपने किन किन लोगों को आमंत्रित किया है? श्री श्री 1008 सच्चिदानंद महाराज जी, धारकुंडी नरेश, श्री श्री 1008 देवी प्रसाद जी, श्री श्री कामतानाथ पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य रामस्वरूपाचार्य जी, श्री प्रयागराज लेटे बजरंगबली नरेंद्र गिरी जी महाराज, संत शिरोमणि भारत की जो शान है अयोध्या धाम के श्री नित्य गोपाल दास जी और योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, गोरखनाथ पीठ को भी मैं आमंत्रित करने आया हूं और इस कार्यक्रम के लिए मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी संपदा है उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम को सकारात्मक रूप दें, यह यज्ञ सफल हो सके और हमारे श्री राम भगवान का भव्य मंदिर निर्विघ्न रूप से अयोध्या में निर्मित स्थापित हो सके। 13 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होगा, 21 अप्रैल 2021 को इसका समापन होगा और 22 अप्रैल को विशाल भंडारा होगा। यह कार्यक्रम सतना में होगा।